हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की वीडियोस वगैरह कंटिन्यूअसली आ रही हैं, तो उसमें टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज आ रही थी, तो उसी का ये पार्ट नंबर 3 है। तो बीए बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जरूर देखें, जो आपकी सेकंड बुक का कैलकुलस, उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे 5-5 क्वेश्चनों की 2 पार्ट आ चुके हैं, ये 3rd पार्ट है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग होगी वीडियो, मेरे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े, जब भी आपको मजा आएगा, ठीक है। तो जी, आज के हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लेते हैं, अपने नोट्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, वो उसका पहला क्वेश्चन ये रहा। काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, वो क्वेश्चन ये रहा जी आपके सामने, पहला क्वेश्चन आज का, लिमिट एक्सटेंड जीरो साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अगर मैं यहां जीरो पुट करता हूं, फिर वही, अगर मैं जीरो, क्योंकि इसमें देखिए काफी और चैप्टर के भी क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। तो यहां अगर मैं जीरो पुट करता हूं, साइन जीरो जीरो, क्योंकि एक ही मल्टीप्लाई जीरो में, एक ही मल्टीप्लाई जीरो में जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, नीचे भी जीरो ही बनेगा यहां पर अगर आप पुट करते हो। तो ये फॉर्म जो बन रही है, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है, ठीक है। जो बीएससी वाले स्टूडेंट है 2 नंबर के लिए, बीए वाले स्टूडेंट है 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या कर सकते हैं हम, देखिए बिना एलोस्पिटल रूल के भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिना एलोस्पिटल रूल के। वो किस तरीके से, आपको छोटा सा कंसेप्ट लगाना होगा, क्या भाई, लिमिट एक्स टेंड्स जीरो साइन ए एक्स एज इट इज एंड साइन बी एक्स एज इट इज, मल्टीप्लाई करनी होगी आपको ऊपर बी एक्स से और नीचे ए एक्स से, ऐसा आपको करना होगा। अरे आपको बात समझ में, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। देखिए यहां बी एक्स से किए तो यहां भी, यहां क्या करना होगा, यहां यहां भी आपने बी एक्स से किए तो यहां भी आप ए एक्स से कर सकते हैं, और यहां नीचे, हाँ बी एक्स नीचे और ए एक्स ऊपर, इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अरे आपको बात समझ में, देखिए यहां पर हमने ए एक्स, यहां पर ए एक्स, यहां पर बी एक्स, यहां पर बी एक्स, देखिए आप मजा आएगा आपको क्वेश्चनों में, ठीक है। फिर इसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स जीरो, इसे मैं लिख सकता हूं साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, ये वाला जो ए एक्स है मैं इसके साथ ले रहा हूं, इंटू लिमिट एक्सटेंड जीरो बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स, और जो हमारा रह गया वो क्या रह गया मेरा, ऊपर ए एक्स और अपॉन में बी एक्स, ये आपका रह गया है, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू है क्या होगी और इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए भाई। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो कौन सी प्रॉपर्टी से, वो इस प्रॉपर्टी से, लिमिट एक्सटेंड जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स दिया गया तो क्या लिखते हो, 1, या फिर साइन, वो सॉरी ए एक्स अपॉन साइन एक्स दिया गया हो लिमिट एक्सटेंड जीरो के साथ, तो क्या होती है, 1 वैल्यू होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये 1-1 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आपको 1 मिली, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू भी 1 मिला, इंटू ए एक्स अपॉन बी एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो आंसर जो होगा आपका ए अपॉन बी, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ए अपॉन बी आपका होगा। देखना वीडियो सही बन रही है, वैसे ऊपर नीचे सही दिख रहा है एकदम, ठीक है। जो a अपॉन b होगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं अब। देखिए ध्यान से देखना भाई, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लिमिट एक्सटेंड जीरो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में काफी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्टली फिर अगर हम यहां जीरो पुट करते हैं, तो कोस जीरो जीरो, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो, और अपॉन जीरो फॉर्म बन जाएगी। यहां भी जो हमारी फॉर्म बन रही है स्टूडेंट, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है। तो यहां पर हमें क्या अप्लाई करना होगा, एलोस्पिटल रूल अप्लाई करना होगा। तो करते हैं अप्लाइंग एलोस्पिटल रूल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड जीरो, इसका डेरिवेटिव करते हैं नीचे वाले का, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव, सेल्फलेटली हमें करना होता, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, और ये जो आपका 3x स्क्वायर है इसका क्या हो जाएगा, 6 × 2x हो जाएगा, वो सॉरी यहां डायरेक्ट 6x हो जाएगा ये, ठीक है। और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कराया है, तो एक बार आप जरूर देखना, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने दोबारा भी लिखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लिमिट एक्सटेंड जीरो, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये साइन एक्स अपॉन सिक्स एक्स, तो वन अपॉन सिक्स जो है कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और लिमिट एक्सटेंड जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू अभी आपने देखा ही है, इसकी वैल्यू होती है वन स्टूडेंट, तो वन अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई वन क्या होगा आपका वन अपॉन सिक्स, तो ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये देख लेना, फर्स्ट पार्ट में भी ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर रिपीट होता है तो एक क्वेश्चन हम फालतू करा देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, नोट डाउन इसे कर सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है जो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू वाला हो, जो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू वाला हो, वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वो क्वेश्चन है वो ये रहा, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और अपॉन फाइव माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और जो है लिमिट हमें एक्सटेंड्स इन्फिनिटी दी गई है, लिमिट जो दी गई है हमें एक्सटेंड्स इन्फिनिटी दी गई है, तो जो होगा इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होने के चांसेस होते हैं जो आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में दिए गए हों। ठीक है, तो अगर हम यहाँ इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी बनेगा, पूरा इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी हमारा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो यहाँ अप्लाइंग एलहॉस्पिटल रूल, यहाँ लिख देना आप अप्लाइंग एलहॉस्पिटल रूल, तो डायरेक्टली लिमिट एक्सटेंड्स इन्फिनिटी, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो 2x और इसका डेरिवेटिव करते हो 2 आ जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, इसका 5 का 0 हो जाएगा, माइनस 3 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, तो डायरेक्टली लिमिट एक्सटेंड्स इन्फिनिटी और 2 इसमें से कॉमन ले लोगे, x प्लस 2 अपॉन ये क्या मिलेगा आपको माइनस का 6x ये मिल जाएगा आपको, तो 2 से कितने टाइम कैंसिल, 3 टाइम कैंसिल हो गया, और डायरेक्टली लिमिट एक्सटेंड्स इन्फिनिटी एक्स प्लस टू अपॉन माइनस का 3x। तो स्टूडेंट्स एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, तो अगेन अप्लाइंग एलहॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाइंग एलहॉस्पिटल रूल लिख दीजिएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स इन्फिनिटी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव इसका 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा, और अपॉन में x का तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस 3, तो डायरेक्टली आपको आंसर क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन 3, जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा आपको माइनस 1 अपॉन 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, इस तरीके के पॉलिनोमियल टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे इसमें जुड़कर काफी सारी चीजें जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू, ये भी पॉलिनोमियल ही हुआ, नीचे कुछ इस तरीके का आ सकता है, तो उसमें भी आपको ये बैक टू बैक क्या करना होगा एलहॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होगा। आ रही आपको बात समझ में, तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं सिंपली, पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक दो क्वेश्चन लेते हैं, इस पार्ट में लिखे हुए हैं मेरी कॉपी पर, ठीक है, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वहां लिखे हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये एक क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, जो जो जिस तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे उस तरीके से मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इफ यू इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर, प्लस का बी वाई स्क्वायर, इफ यू इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, फाइंड डेल टू यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स, ठीक है, एंड डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। देखिए अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे, यू इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, तो आपको ये फाइंड करना है डेल टू यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स एंड डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसे लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, उसको हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, उसको क्या करेंगे हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिंग करेंगे, ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट, ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट, वाई को कॉन्स्टेंट मान के हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। आ रही आपको बात समझ में, तो वी हैव u इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर,
जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मैंने यहां लिख दी है, इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड मान ली, हाँ फर्स्ट ही है ये हमारी, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट। वाई को हम कॉन्स्टेंट ट्रीट करके हम जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो क्या होगा ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा टू ए एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, इनटू ए से करेंगे तो टू ए एक्स प्लस, देखिए वाई तो हमारा कॉन्स्टेंट है, टू एच वाई तो कॉन्स्टेंट है, टू एच वाई क्योंकि एक्स का वन हो गया, और प्लस बी वाई स्क्वायर है तो इसका हो गया जीरो। तो मेरे को क्या मिल गया डायरेक्टली डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्या मिल गया टू ए एक्स प्लस टू एच वाई, जो हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स था वो क्या मिल गया टू ए एक्स प्लस टू एच वाई, ठीक है। Hence, एक और बार हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब की बार जो हम रिस्पेक्ट में करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ट्रीटिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, ट्रीटिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये तो हो गया ट्रीटिंग, इस बार जो हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग, इसे सेकंड मान लो, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ट्रीटिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट। आ रही आपको बात समझ में, लिख देता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग जो हमारी सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ट्रीटिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट। देखिए जो लैंग्वेज है बार बार मैं नहीं लिखूंगा, तो आप एक बार देख लें, इस तरीके के क्वेश्चन आपको सब करवाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, डेल एक्स इंटू डेल वाई, एक और बार वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा टू एक्स तो कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो गया, क्योंकि इस बार हम एक्स को कॉन्स्टेंट मान रहे हैं भाई, ये तो जीरो हो गया, प्लस इसमें y का हो जाएगा 1 और 2h हमारा कॉन्स्टेंट है, 2h बाहर आ गया और y का हो गया 1, तो डायरेक्टली क्या मिला मुझे आंसर 2h मिल गया, जो मुझे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई जो मिला है वो क्या मिल गया 2h मिल गया, वो क्या मिल गया मुझे 2h मिल गया, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब की बार हमें ये करना है, तो डायरेक्टली क्या करोगे आप फर्स्ट टाइम क्या करोगे, जो ये आप निकालोगे भाई, अभी हमने डेल एक्स अपॉन डेल वाई निकाला, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई हमने निकाला, जब आप डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल एक्स निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, एक्स एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे एक्स को कॉन्स्टेंट, फिर अगेन क्या करोगे आप, फिर अगेन आपको क्या करना होगा, अगली बार आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, इस बार ट्रीट करोगे वाई को कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वहां से भी आपका जो डायरेक्टली आंसर आएगा, वो डायरेक्टली 2h आ जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर हो सकते हैं, बस शर्त ये है कि हमारा जो डेरिवेटिव वो करने का तरीका सही होना चाहिए। आ रही आपको बात समझ में, तो ये भी आप देखो, ये मैंने निकाला है तो ये आप खुद निकाल लेना, ठीक है, ये आप खुद निकाल लेना। दो नंबर का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि ये दे दिया आपसे, ये पूछ लिया गया दो नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका लिया है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करना सभी, देखिए क्वेश्चन क्या है, और ये आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फिर नेक्स्ट पार्ट आएंगे उसमें क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे सामने, इफ u इज इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन एक्स, जो फंक्शन दिया है वाई और एक्स में दिया है, सो दैट टू प्रूव करना है हमें वो क्या है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। इसे लेट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और वाई क्या करेंगे, वाई हम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखिए एफ वाई अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश वाई अपॉन एक्स
एंड वाई अपॉन एक्स का आप करोगे तो वाई तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और वन अपॉन एक्स का, भाई वाई तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली आपको जो रिजल्ट मिलेगा एफ डैस वाई अपॉन एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मिला आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स। भाई आपको एक तो इसकी वैल्यू चाहिए, ये मैंने निकाल ली, और एक चाहिए आपको इसकी वैल्यू, ठीक है। मैं डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो अगेन देखिए दो तीन तरीके इस क्वेश्चन को करने के, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसे फॉलो करना, काफी ज्यादा इजीनेस से आपका क्वेश्चन होगा। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ट्रीटिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट। अब की बार क्या करोगे आप, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, एक्स का कॉन्स्टेंट ट्रीट, क्योंकि आपको वाई के रिस्पेक्ट में चाहिए भी। तो डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई अपॉन एक्स। तो इस बार एक्स आपका कॉन्स्टेंट है तो वन अपॉन एक्स आपका बाहर आ गया, और वाई का हो गया आपका वन। तो डायरेक्टली आपको क्या मिला, एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू मिल गई आपको, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी मिल गई। तो हम ये ही देखिए अब LHS में पुट कर देंगे, भाई हमारे पास LHS ये नहीं मेरी, तो LHS लेकर चलेंगे और RHS जीरो हम दिखा देंगे सिंपली, ठीक है। तो यहां मैं LHS लेता हूं, टेक LHS, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो LHS मेरे पास है x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास क्या है, एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। और डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू मेरे पास वो है ये एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, ये मेरे पास वैल्यूज है। अब देख सकते हैं आप इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया तो मिला मुझे y डैश वो एफ डैश वाई अपॉन एक्स और ये माइनस का वाई, माइनस का वाई मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस का वाई अपॉन एक्स क्या मिला मुझे, इंटू माइनस का वाई अपॉन एक्स मिल गया प्लस एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स। तो देखिए ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया जीरो। तो क्या हो गया, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस और लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो देखिए ये था स्टूडेंट्स वीडियो का पार्ट नंबर 3। आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा और काफी देखिए क्वेश्चन हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जो जो क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दो नंबर में इस बार मेरा मन कहता है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और देखते हैं पूछा जाता है नहीं पूछा जाता, वैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी आपका एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन। जितने भी ये क्वेश्चन है बस इन्हें आप नोट्स बनाकर लिखते रहिए, आपको काफी ज्यादा बी ए बी एस सी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हेल्प करेगा। मैं आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो मजा आ रहा होगा शुरू से लास्ट तक, जो आपने फर्स्ट पार्ट देखा सेकंड पार्ट देखा थर्ड पार्ट देखा आप सभी में मजा आ रहा होगा। बट एक चीज है सबसे ज्यादा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह में, ठीक है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो उसमें मुझे भी मजा आएगा, बैक टू बैक मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और अभी बेसिकली क्या था कि मेरा थोड़ा तबियत खराब हो गई थी तो इसीलिए एक दो दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, बट हमारी बैक टू बैक अब वीडियो दोबारा से अगेन आने स्टार्ट होंगी, ठीक है। जैसे ही मैं आज थोड़ा सा ही ठीक हुआ हूं तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है थोड़ा सा आप भी लोगों में शेयर करें वीडियोस, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, कल या परसों में। ओके थैंक यू।